नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं, कुछ मैं वर्ड्स हैं और यहाँ पे हिंदी मीनिंग है जो कि रेगुलर लाइफ में हर किसी को ये यूज़ आते हैं। इस वर्ड्स को आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके कुछ मीनिंग्स मैं लेके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि उस मीनिंग का क्या अर्थ है। और सिंपल में ये जो कि रेगुलर लाइफ में जो यूज़फुल वर्ड्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे वर्ड रहते हैं जिस पे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमको समझ में नहीं आता इसका मीनिंग क्या होगा कभी कभी। तो इस वीडियो में बहुत सिंपल सा वर्ड्स हैं और उसके कुछ मीनिंग्स हैं जो आप देखिएगा इस वीडियो में, और आप दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जो वर्ड है वो है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। और दूसरा है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना। दोनों का मतलब जो है उसी में, हाउ मैनी मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, ठीक है। मैनी मतलब होता है कि हाउ मैनी हम जब भी यूज़ करते हैं कितना, तो कोई भी नंबर्स में होगा, जैसे कि हो गया 10 हो गया या 12। तो किसी के पास जैसे 10 पेन है तो हम बोलेंगे हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर के लिए जो भी होगा वो हाउ मैनी लगेगा। और हाउ मच जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, आसानी से, उसको हम वहाँ पे हाउ मच का यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद आता है हाउ फार। हाउ फार मतलब होता है कहाँ तक या फिर कितनी दूर। फिर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब तक। हाउ ऑफन। ऑफन मतलब वैसे अक्सर होता है। हाउ ऑफन जब साथ में लग जाए तो उसको बोलेंगे कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार, इसका विषय में, एट वाट टाइम, ठीक है, इसका मतलब हुआ किस समय। और हु की बात है, हु मतलब कौन, हु मतलब किसको, हुस मतलब किसका, वाट मतलब क्या, पिच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, वेयर मतलब कहाँ। बात करते हैं वैन। वैन मतलब कब, ठीक है। वाई मतलब क्यों। हाउ मतलब कैसे। अब जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशंस भी कहा जाता है, ठीक है, उनके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। जैसे अबाउट हुआ, अबाउट का मतलब होता है हम पास के लिए भी यूज़ करते हैं, चारों ओर या आसपास या लगभग। और अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है, लास्ट में जो के बारे में, अबाउट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है के बारे में, इसका मतलब किसके बारे में या फिर किस बारे में, ठीक। तो अबाउट सबसे ज़्यादा इसकी इस वर्ड के लिए यूज़ होता है। और बात करते हैं विदाउट। विदाउट मतलब हिंदी में बोल दे तो के बिना मतलब होता है रहित या फिर इन मतलब अंदर। अधिकतर हम इन सुनते तो वहाँ अंदर या भीतरी हमारे दिमाग में आता है, लेकिन में से इसमें भी यूज़ होता है। अगर जहाँ में लगाएं वहाँ से, वहाँ पर भी इन यूज़ होता है। अब बात करें विनित का, इसका मतलब होता है नीचे या फिर तले। विथिन। विथिन मतलब भीतर, अंदर, समाहित, अंतर्गत, ठीक है। विथिन मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग मतलब के संबंध में, ध्यान, चिंता। फ्रॉम मतलब से। विलो मतलब नीचे। विथ मतलब के साथ, के पास, ठीक है, या से। फॉर के लिए या निमंत्रित। या बिहाइंड मतलब पीछे या पीछे की ओर, ठीक है, ये होता है मतलब। और बात करते हैं जो सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज बात करते हैं अपॉन। अपॉन मतलब होता है पर या फिर के ऊपर या फिर के बारे में, ठीक है। ओवर मतलब अतिरिक्त, शेष या फिर ऊपर, ख़त्म, समाप्त से अधिक। एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना, अलावा, के अतिरिक्त, सिवाय। बिफोर मतलब पहले, पूर्व, सामने, आगे। तो ये बहुत सारे सिंपल से वर्ड्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। अप मतलब होता है उच्च, पर, ऊपर। आउटसाइड मतलब होता है बाहर, बाहरी हिस्सा। बिसाइड मतलब होता है पास में, बगल। इनसाइड मतलब होता है अंदर, भीतरी। सिंस मतलब से, अब तक, के बाद। अबव मतलब होता है के ऊपर, के पर। और बात करते हैं इनटू। इनटू मतलब होता है के अंदर या में या गुड़ा। या फिर थ्रू मतलब के आर पार, में से, के द्वारा। अक्रॉस मतलब पार या उस पार, आर पार, आड़ा, तिरछा। बिटवीन मतलब होता है के बीच,
में या मध्य में, और लाइक, लाइक मतलब होता है सदिश, पसंद, चाह, सम्मान, जैसा, मानो। ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं जो कि लाइक यहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब होता है। और थ्रू आउट मतलब पूर्णतया या नितांत, बिल्कुल, या आफ्टर मतलब होता है पीछे, बाद में, के अनुसार, बियॉन्ड मतलब होता है के परे, पार, बाहर, नियर मतलब होता है निकट, पास, लगभग, टू मतलब को, की ओर या तक, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, विपरीत, के सामने। अब बात करते हैं बट, बट मतलब होता है किंतु, परंतु, टू वर्ड मतलब की ओर, के प्रति, के लिए, ड्यूरिंग मतलब के समय में, दौरान, अलॉन्ग मतलब के समांतर, साथ, लंबाई में। ठीक, ऑफ मतलब अलग, प्रत्येक, दूर या फिर बंद या से, अंडर मतलब के नीचे, दो, निम्न, अंतर, के अधीन, अमोंग मतलब में से, बीच में। तो ये सब वर्ड्स हैं जो कि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ बताना है आपको, कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इस तरह के वर्ड्स के PDF चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक करिए फेसबुक पेज को, और वहाँ पर मैसेज करिए, या फिर वहाँ पर मैंने अपलोड भी कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।